शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको मुझे ऑफिस भी छोड़ने जाना है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है मुझे, तो प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। उफ, आ गई अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने, और पता नहीं इंटरव्यू कैसा जाएगा मेरा। जैसी तैयारी करेंगे ना वैसे ही जाएगा। किस्मत भी कोई चीज होती है जिसमें तुम बैठी पड़ी हो। मेरी वजह से आपको किराया मिला है, वरना आप तो इतने वक्त तक कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। और बेचारे अंकल जी, कितना कुछ अकेले संभालते वो। भाई मेरे पापा की चमची, अरे इतने ही पैसे का अकड़ है ना, तो जाओ ना खुद ऑटो से। बस 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 करो तुम दोनों। सुबह हुई नहीं कि तुम दोनों का खिटपिट रेडियो शुरू हो गया। ये मनोरंजन रास्ते में जाते हुए करना। मनोरंजन वो भी इसके साथ। हाय, नमस्ते। ज्यादा मनोरंजन नहीं चल रहा है आपका। तुम्हें उससे क्या है, तुम जाओ ना अपने काम पे। अब तो ना आपका इलाज मैं देख कर ही जाऊंगी। क्यों, तुम डॉक्टर हो? मेरी बुआ, मेरी मम्मी, मेरी ताई जी मेरे साथ हैं। तुम्हें मेरा सर चाटने की जरूरत नहीं है। मैंने बुलाया है डॉक्टर रोशनी को यहाँ, तो मैं तो यहाँ रहूंगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही है श्रद्धा। हाँ, वैसे एक ही काम उसने डंका की है। क्या कहा आपने? अरे भाई बंद करो तुम दोनों। डॉक्टर रोशनी आप अपना काम शुरू करिए, तब तक हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। हाँ, हम भी भाभी की मदद कर लेते। और हमें भी तो कीर्ति को नाश्ता देना है ना, उनको ड्यूटी के लिए लेट हो रहा होगा। चलते हैं। आओ अभी शुरू करें। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब से तुम्हें होश आया तब से बहुत कुछ हो गया है पिछले कुछ दिनों में। कुछ याद आया तुम्हें? डॉक्टर कुछ याद तो नहीं है, बस धुंधले चेहरे दिखते हैं। कोई दुल्हन, किसी की शादी, कुछ चेहरे दिखते हैं, पर मैं जानता नहीं हूँ वो कौन है, या शायद जानता था अब याद नहीं है। सदा जोर लगाता हूँ तो सर ऐसे फटता है कि मन करता सर को उखाड़ के ही फेंक दूं। डॉक्टर सर में इतना दर्द होता है ना कि मन करता दुनिया को आग लगा दूं। अबे शांत हो जाओ, सब ठीक है। अब मुझसे सहन नहीं होता है। जहां मुझे आपका कंधा बनना चाहिए था अबे, अब इतना सब कुछ अकेले सह रहे। अब है सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। ये जो धुंधले चेहरे तुम्हें दिखाई देते हैं ना, इसे तुम भागो मत। इसे तो पता चलेगा ना कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है, और फिर मैं तो हूं ही। सही दवाइयों के साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे ये तुम्हारा सर दर्द भी खत्म हो जाएगा। अब आप आ गई है ना तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मैं हूँ इसीलिए। लगता है आज इंटरव्यू देने नहीं जाना है आपको। नौकरी मिलने से पहले नौकरी छोड़ देने का इरादा लगता है आपका। लगता है तानों की पूरी लिस्ट बना रखी तुमने। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अभी क्लिनिक जाना है। हाँ? अरे मैं छोड़ देता ना आपको। नहीं नहीं, तुम्हें इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा ना। नहीं नहीं, बहुत टाइम है मेरे पास। वो दरअसल इनका क्लिनिक ना आपके दफ्तर से थोड़ा उल्टा पड़ता है। तुम्हें मैंने बताया मेरा दफ्तर कहाँ है? इनका क्लिनिक भी बहुत दूर है। तुम डिसाइड मत करो मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है।
नहीं अबे, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। डॉक्टर, हमारे घर की ना परंपरा है, हमारे घर में आए मेहमान को हम सही सलामत उनकी मंजिल तक छोड़ते हैं। ठीक है फिर चलो। चाय तैयार है। ये क्या, डॉक्टर और मरीज दोनों गायब? गए बुआ जी, एक साथ। ये अभय बिना अपने बटवे के ही कहां चला गया? कोई बात नहीं बुआ जी, मैं दे दूंगी। ये बिना जी, मैं अभय त्रिपाठी। ओ, आप आ गए सर, आपका ही वेट कर रहे हैं। आप यहाँ से तो उनके केबिन चले जाइए। जी वहाँ, थैंक यू। याल, बहुत मिलेगा याल। तुम सबको फिर से ना बताना पड़े केस अभय त्रिपाठी के साथ क्या करूँ। वो अपनी तैयारी करके आया है और हम यहाँ अपनी तैयारी करे बैठे हैं। आज इसका यहाँ पहला और आखिरी दिन है। इसको इसकी सही जगह दिखानी। अब पता चलेगा साले साहब कि इस नौकर की दी हुई नौकरी क्या काम करती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच गया। श्रद्धा को पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। वो मेरा एक दोस्त है जो यहीं काम करता है, तो उसी ने मुझे यहाँ बुलाया। और कुछ जानना है आपको भाभी जी? लगता है ये नौकरों वाली एक्टिंग कर करके ना तुम्हारी बातें भी अब नौकरों वाली हो गई। जरा सा सवाल क्या तुमसे मैंने पूछा, ये तुम्हारे माथे पे इतना पसीना क्यों आ गया? थैंक यू मैम। क्या तुम्हें थोड़ा भी चैन नहीं आया? मेरे पीछे पीछे यहां भी चली आई तुम? वो आप बिना इसके आ गए थे। अच्छा ठीक है, अब क्या शुक्रिया भी लेकर जाओगी? चाहो ना अपना काम करो। वाह, मैडम किराएदार से एक छोटा सा वॉलेट नहीं उठाया गया, नौकर को भी लेकर आ गई साथ में। खैर छोड़ो यार, तुम जाओ ना अपना काम करो यार, जाओ। जा रही हूं मैं। अच्छा सुनो। जी बोलिए। अब आई गई हो तो एक खबर सुनती जाओ। अच्छा बोलिए। मुझे नौकरी मिल गई है, बड़ा काम और डबल पैसा। अच्छा, तो बिना किसी तजुर्बे के इतनी बड़ी नौकरी? ये तो मेरा कमाल है, 2 मिनट के इंटरव्यू में ना मुझे चुन लिया गया। अभय, बिना किसी तजुर्बे के ना इतनी बड़ी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तुम मुझे बताओगी क्या ठीक है क्या नहीं? तुमसे थोड़ी सी भी प्यार से बात कर लो ना, तुम तो रौब झाड़ने लग जाती हो। अब मैं तो बस बस समझ गया मैं, तुम्हें मेरी काबिलियत का पता चल गया ना, तुम्हें समझ में आ गया कि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं पैसे घुमा के तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगा और तुम्हें अपने घर से दफा कर दूंगा, इसलिए इधर उधर के बहाने मार रही हो ना तुम। तुम ना मेरे मामलों में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरा आज ऑफिस का पहला दिन है, तुम जाओ यार यहां से।
अब तुम चाह के भी अपने सुहाग को नहीं बचा सकती श्रद्धा, घबराती रहो बैठ के बस। सेठ जी, आपको मैसेज लिख के भेजूं? जाए यहां से। जी भैया जी। चैट के बेचारे काम कर रही हो कि मेरी स्वीट हो, इसे अचानक देख के ना एकदम खुश हो जाएगी। ये हस्बैंड भी ना, क्या ही बोलू। मुझे तो पता ही सर कि यही होना था। वाह, आज लगता है काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए तो ये हंसी मजाक चल रहा है। और वरुण कैसे हो? वरुण जी, ऐसा किस्सा हुआ आपको सुनाएंगे, आप भी हंसेंगे। अरे एक औरत आई थी अपने पति के साथ और वो। कीर्ति, अगर तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई हो तो घर चले, हम ही कब से तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहे हैं। कल के रोहिणी व्रत की तैयारी भी तो करनी है। हाँ हाँ, पुलिस की ड्यूटी बहुत हो गई, ठीक है कीर्ति, अब घर की ड्यूटी पे ध्यान दो। ओके चलिए। अभी को आज शाम की डोज दे देती हूँ, अगर नहीं दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और उससे पूछ भी लूंगी कि आज उसका पहला दिन कैसा गया। रुकिए डॉक्टर रोशनी। अरे मेरा मतलब है, आप क्यों तकलीफ करेंगी? अभय को उनकी दवाई मैं दे देती हूँ ना, लाइए। अरे कीर्ति बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कीर्ति रानी, आज थाने में किसी गुंडे ने गुस्सा वुस्सा दिला दिया है क्या? पहले घर की गुंडागर्दी खत्म हो तब ना बुआ जी। पूछिए अपने लाडले भतीजे से कि उन्होंने क्या किया है। हाँ, तुम तो बड़ी दूध की धुली हो, बाकी सभी गलत होते हैं ना। वरुण, ये कैसे बात कर रहे हो अपनी पत्नी से? वही तो, पत्नी मेरी है और हंसी टिटोली बॉस के साथ कर रही है। क्या तुम्हारी अकल घास वास चरने गई है क्या, जो ऐसी बकवास किए जा रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपको पता है आप सब लोग यहाँ पर इसका इंतजार कर रहे हैं और ये ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिस स्टेशन में बैठ के गप्पे लड़ा रही है। वरुण जी, आप अपने आप को सुन भी रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? हाँ तो गलत क्या बोल रहा हूँ, तुमने तो जैसे अपनी दूसरी दुनिया बना ली जिसमें हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है। हमारे बारे में अब क्यों सोचोगी तुम? दिन भर हम बाहर धूप गर्मी धूल मिट्टी खाते, अजीब अजीब अपराधियों का सामना करते, लोगों की परेशानियां सुनते, अगर इस बीच में 5 मिनट हम हंस बोल लिए तो आप हम पे उंगली उठाएंगे। तो मैंने मना किया क्या? बल्कि मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद की, लेकिन कीर्ति तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है। अरे क्या मांग रहा हूँ मैं तुमसे, बस थोड़ा सा वक्त ही ना। और वो तुम्हारे SP सर, अजीब ही आदमी है। अरे तुम्हारा पति सामने खड़ा है तब भी उसकी पत्नी पे हाथ रख के उससे बात कर रहा है, अरे ऐसे होती है क्या पुलिस गिरी? वरुण जी, जबान संभाल कर बात करिए। वरुण, वो लोग सिर्फ साथ में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पति होने का रुआब दिखाओ। इतनी छोटी और घटिया बात तुमसे सुनने को मिलेगी, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बुआ जी, इनकी सोच ना वहीं तक सीमित है, इसीलिए आज के बाद आप हमारे पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। हाँ तो नहीं आऊंगा, अरे आज वो कंधे पे हाथ रख के बात कर रहा है, कल को पता नहीं तुम्हारे SP तुम्हारे साथ क्या क्या। मैं तुम्हारे हाथ से दवा नहीं लूंगा, डॉक्टर रोशनी को बुलाओ। एक दवाई लेने के लिए
आपको डॉक्टर रोशनी की जरूरत नहीं है अब है। मुझे मेरी जरूरतों के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, और वैसे भी रत्ती भर विश्वास नहीं है मुझे तुम पे। डॉक्टर नीरज से आपको बचाया मैंने, डॉक्टर रोशनी को आपके इलाज के लिए बुलाया मैंने, और आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे प्यार में पागल डॉक्टर नीरज से मैंने तुम्हें बचाया है, तो तुम्हारी ये अक्कड़ है ना, तुम अपने पास ही रखो। डॉक्टर रोशनी मेरी डॉक्टर है, मैं दवा भी उन्हीं से लूंगा। नहीं। क्यों नहीं? अब तो ना आप दवाई मेरे हाथ से ही खाएंगे। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे हाथ से दवा नहीं लूंगा। जाओ यहाँ से, मुझे डॉक्टर रोशनी चाहिए बस। अरे क्या हो गया भाई, तुम लोग इतना चिल्ला कर रहे हो? अब देखिए ना, एक दवाई खाने के लिए ये डॉक्टर रोशनी के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे तो उन्हें खिलाने दो ना, इसमें झगड़ने की क्या बात है श्रद्धा? हाँ और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप रुको, डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। आइए। ये लो, आ गई तुम्हारी डॉक्टर साहिबा। अरे अब तो दवा खा लो तुम। अबे बैठो। डॉक्टर रोशनी, अब आप ही अपने हाथ से मुझे दवा दिया करो। अभय, मैं रोज तो नहीं आ सकती हूँ ना दवा देने के लिए, और फिर मेरा क्लिनिक भी है और भी पेशेंट्स है, उनका भी तो इलाज करना है ना, और फिर श्रद्धा है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मेरी क्या जरूरत? जरूरत है, आपके अलावा मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इस समय सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि अभय को गुस्सा ना आए। हाँ, क्योंकि अगर उसका बीपी बढ़ गया ना तो दवाई काम नहीं करेगी। मैं चलती हूँ। रोशनी बेटा, अगर आपको कोई आज काम नहीं हो तो आप यहीं रुक जाइए, आज पूरी रात पूजा की तैयारियां होंगी तो आप भी हिस्सा ले सकती हैं। क्यों श्रद्धा? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरा मतलब है डॉक्टर रोशनी, अगर आपके पास समय है तो क्यों नहीं। वैसे तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, सब क्लाइंट्स का हो गया है, मैं रुक सकती हूँ। ठीक है। रोशनी बेटा आइए बैठिए। आपको पता है हमारे घर में ना हर पूजा इतने जोर शोर से ही मनाई जाती है, हम सब श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं और फिर एक साथ ऐसे ही भोग बनाते हैं। आप कल खुद देखिएगा बेटा कैसे सब अच्छे तरह से तैयार होंगे, सुंदर गहने, अच्छे कपड़े, पूरे श्रृंगार के साथ श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, हमारे घर की समृद्धि के लिए और घर के सब लोगों के लिए। और पता है अभय के पापा इसी दिन अपने दुकान की शुरुआत किए थे। अरे वाह आंटी, और क्या क्या होता है? अरे आपने कभी गुड़ की खीर खाई है? नहीं खाई ना, तो आपको कल मौका मिलेगा। बेस्ट एंड बेस्ट खीर, हमारी श्रद्धा जैसी अच्छी खीर कोई नहीं बना सकता। ऐसा लगता है जैसे अम्मा के हाथ की ही हो। पिछली बार जब कीर्ति छुट्टी लेकर आई थी तो क्या पकवान बनाए थे उसने, वो अभी तक का सबसे अच्छा था। अरे हाँ, पर ये कीर्ति है कहाँ? शायद थक गई होगी, कमरे में सो रही होगी, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। अरे कीर्ति आना बैठना, हम सब यहाँ तेरा ही इंतजार कर रहे थे, आजा पूजा की तैयारी करते हैं। और क्या, इतना तो तुम कर ही सकती हो कि अपने घर की पूजा के लिए थोड़ी सी मिठाई बना दो, है?
है ना? और नहीं तो क्या, इतना तो तुम कर ही सकते हो। पूजा घर की है, अगर मेहमान हम सबका साथ दे रहे हैं इसमें, तो घर के हर सदस्य को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। हम बताते हैं कैसे बनाना है। अरे ऐसे नहीं बनता है, दिखाओ मैं बताता हूं। धोखा तो इस लड़की की रग रग में है। अरे तुम किसके बारे में बोल रहे हो अभय? इस लड़की की मम्मी, किराएदारनी के नाम पे नागिन पाल रखी है हमने घर पे, आप सबको नहीं दिख रहा है? इसके गले का मंगलसूत्र, इसकी मांग का सिंदूर, बताओ कौन है पति तुम्हारा? हमारे साथ साथ उसे भी धोखा तो नहीं दे रही हो? मेरे घर से अभी दफा हो जाओ तुम, मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।